नमस्कार, आप बस देख रहे हैं बंद आरबी कर न्यूज़ लाइव खबर। दिए। आज आजमगढ़ जी, हाँ आपको बता दें, जी भारतीय हाँ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य उत्तर प्रदेश राज बली राम ने, जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आज़ादी में एक अहम हिस्सा है और आज़ादी के बाद से लेकर सत्ता को संभाली है, और हमारी पार्टी ने सुई से लेकर जहाज़ तक बनाया है। इस देश में बड़े बड़े एम्स, मेडिकल और यूनिवर्सिटी बनाई हमारी पार्टी ने ही बनाया है। आपको बताते चले कि जब इनसे वर्तमान सरकार की नीतियों पर बात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं राजबली वर्तमान राम सरकार सनम उद्योगपतियों के हाथ स्वनिवासी में दास की कठपुतली की कबीर तरह कार्य कर रही कबीरपंथी है, और परिवार का देश में सदस्य हूँ भुखमरी कगार पर और मैं है, वर्तमान में जिससे इस लोगों समय का जीवन अस्त व्यस्त उत्तर है। प्रदेश मिशन 2022 को कार्यकारिणी लेकर का इन्होंने सदस्य कहा हूँ कि और प्रियंका इसके गांधी परे जी के मैं नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिला कांग्रेस चुनाव कमेटी पूर्ण में बहुमत से जीतेंगे। आइए वीसी दिखाते स्टीडियो हैं का ये अध्यक्ष रहा रिपोर्ट, हूँ ब्यूरो और रिपोर्ट, महासचिव रहा आजमगढ़। हूँ, क्वाडिनेटर रहा हूँ जी। सर आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक तरफ किसान धरना प्रदर्शन पे जो है डटे हुए हैं और उसमें से जो है 45-46 किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है और सरकार जो है किसानों के प्रति नरम रवैया नहीं अपना रही है और बात बनती हुई नहीं दिख रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? इसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि जो बिल लाया गया है वह बिल किसानों के हित में नहीं है। क्यों नहीं है? जो इनका MSP है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी और मंडी से बाहर भी बेचने के लिए जो प्रावधान है वह जी किसानों के हित में नहीं है। क्यों जी नहीं है? क्योंकि इसके पूर्व में अगर कांग्रेस पार्टी ने जो बिल लाया था वो MSP था और किसान उससे संतुष्ट था, उसका उसके उत्पादन का मूल्य उसे सही ढंग से मिल रहा था। हालांकि जितना वो चाहता था उतना नहीं पाया, लेकिन कम से कम इतना था जिससे वो संतुष्ट हो जाता था। आज जो बिल लाया गया वह लोकसभा या राज्यसभा या विपक्षियों द्वारा बिना बहस किए, बिना राय लिए आनन-फानन में पास कर दिया गया, और वह बिल किसानों के हित में नहीं है। इसलिए कि वह उसे ये डर है कि कहीं यह हमारी जमीन उत्पादन का जो मूल्य मिल रहा है जी वह हमारे परिश्रम से जो पैदा होने वाला उत्पादन है वह सही ढंग से में नहीं मिलेगा। जी जी सर, विपक्ष जो है MSP पे जो है बात करते हाँ हैं, MSP पे जो है प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है, हालांकि सच बात यह है कि MSP खत्म ही नहीं होगी हाँ और विपक्ष जो है इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर विश्वास नहीं है? हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हमारी पार्टी को जरा सा विश्वास नहीं। क्यों? कि जो बिल ये लाए हैं वह बिल किसानों के हित में नहीं है, और MSP जो है वह किसानों द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसको न मान करके वह कह रहे हैं कि एक समिति बना दी जाएगी और समिति जो निर्णय लेगी वह MSP माना जाएगा। तो किसानों की ये भ्रम है कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, जैसे 15 लाख हर परिवार को दिया जाएगा, रोजगार 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ भारत तमाम, और मेक इंडिया, मेड इन इंडिया, तमाम ऐसी बातें जो उन्होंने कहा है कि जनता के हित में बातें की है, लेकिन वो कभी भी वो लागू नहीं हुई लागू है, नहीं हुए, और ठीक उसका उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों से आशंकित है, आशंकित है, इसीलिए जो है उनका विरोध कर रहा है। क्यों इसीलिए आशंकित है? कि उनकी बातों में हमें विश्वास नहीं है। नहीं नहीं है सर, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है बहुत दिनों से जो है अछूती है, यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीरो के बराबर है, अगली बार समाजवादी पार्टी से अलायंस था, आप 7 सीटों पे जीते चुनाव, अब की बार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कितना सफल हो पाएगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? जहां तक मेरा मानना है ये हमारे बड़े नेताओं का निर्णय होता है कि हम अलायंस करके इलेक्शन लड़ें, चुनाव लड़ें। जी हालांकि कार्यकर्ता के मन में ये टीस रह जाती है कि वह अलायंस न करके अगर अपने ही बल पर लड़ा गया होता शायद तो हमको बेहतर रिजल्ट मिलता। क्यों? कि हमारा कार्यकर्ता गठबंधन होने के बाद जहां सीट नहीं मिलती है उस कांग्रेस पार्टी को, वहां वो निराश हो जाता है और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो जहाँ तक मेरी सोच है, मैं निर्णय लेने का अधिकारी नहीं हूँ, निर्णय लेने का अधिकार हमारे बड़े नेताओं को है। वो क्या निर्णय लेते हैं, चूंकि हम कार्यकर्ता हैं, उनकी बात मानकर इलेक्शन लड़ते हैं, हमारी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं और चुनाव में शिरकत करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, अगर हमारी पार्टी अपने से लड़े, अपने
एक अपने बूते पर लड़े तो शायद हमारा कार्यकर्ता अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वह कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अगर आपकी बात चुनाव जो 2022 में होने वाला है, अगर ये मैं तो कहता हूँ अलायंस ना करके या तो छोटी छोटी जो बहुत बहुत मिनिमम छोटी छोटी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां उनसे गठबंधन करके लड़े और अपने बल पर काफी प्रयास किया जाए, कार्यकर्ता भी निराश नहीं होगा और हमारे कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ेगा और जो कार्यकर्ता इधर उधर भाग रहा था वो भागना और भटकने से बच जाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से लड़ेगा और माननीय प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपने के लिए वो अपनी जी जान लगा देगा और माननीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की सरकार संभालने और यहाँ का अगुवाई करने में सक्षम है। सर ये बताए क्वेश्चन रहेगा हमारा कि वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर क्या कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हमारा एक संवैधानिक संबंध रहा है जो कि दोनों के सामंजस्य पर आधारित रहता है। केंद्र सरकार कभी भी तानाशाह का रूप नहीं लेती है, न लेना चाहिए जैसा संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है तो केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को अपने मुट्ठी में रखकर कार्य करना चाहती है। जी, वर्तमान योगी सरकार पर कुछ कहना चाहेंगे सर? योगी सरकार पर हम तो ज़्यादा नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहेंगे या कहना चाहेंगे तो सिर्फ इतने कहना चाहेंगे कि योगी सरकार जो किसान उत्पादन करने के लिए जो खेती बाड़ी कर रहा है उसको पशुओं को छोड़ दिया, पशुओं को रोकने के लिए, उनके खेत को चरने से बचाने के लिए, उनको नुकसान करने से बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया और पशु बलि पर उन्होंने रोक लगा दिया जिससे सारे पशु किसानों के द्वारा बोई गई फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे किसान त्रस्त है। किसान के लिए क्या चाहिए? खाद, पानी, बिजली जी। और अगर उनको ये सस्ती दर पर मुहैया कराया जाए तो आज हमारा किसान जो कहीं कहीं आत्महत्या कर रहा, सैकड़ों हजारों लोगों ने आत्महत्या कर लिया, दूसरे राज्यों में भी, वो हाथ यूपी में भी है, ऐसा नहीं कि यूपी अछूत से अछूता है जी। क्योंकि यहाँ खाद, पानी, बिजली उसको सही ढंग से और सस्ती दर पर नहीं मिल रही, जबकि किसानों के लिए सबसे जरूरी है खाद, पानी, बिजली सस्ती दर मुहैया कराना जिससे वह अपना खेती में जी जान से जुड़ सके और अधिक से उत्पादन कर सके। सर अगली इस बार अगर कांग्रेस पार्टी से आपको लालगंज विधानसभा से मौका मिलता है तो इस लालगंज के विकास के को लेकर के आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? सर्वप्रथम मैं चाहूंगा अगर मुझे टिकट मिलता है या मैं इस प्रकार के किसी पद पर पहुंच जाता हूँ तो मेरा तो यही विचार है कि आजमगढ़ में या आजमगढ़ में दो लोकसभा सीट है, एक सदर सीट है, एक लालगंज की सीट है जो कि रिजर्व है और ये जिला बहुत बड़ा जिला है, यहाँ दो लोकसभा सीट है। तो मैं तो चाहूँगा कि बड़ा होने का अगर इसको दो भाग में बांट दिया जाए और लालगंज को एक अलग जिला बना दिया जाए तो लालगंज की तमाम समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी और लालगंज का विकास अपने आप होगा और यहाँ जो MP में चुना जाएगा वो लालगंज के लिए विशेष रूप से लालगंज के प्रति उत्तरदायी होकर के वो कार्य करेगा और लालगंज का विकास स्वतः शुरू हो जाएगा। चूंकि बड़ा जिला होने के कारण उसका विकास लालगंज के नहीं हो पा रहा है और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो चाहूँगा लालगंज के जिला बनाया जाए, यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज छोटी मोटी जो घरेलू लोकल स्तर पर और जो लघु उद्योग हैं और मध्यम क्लास के जो उद्योग हैं वो लगाए जाएँ और यहाँ तमाम ऊसर जमीन पड़ी हुई आज भी ग्राम समाज में पड़ी हुई जिससे बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है जिससे लोग गांव से बड़े बड़े शहरों में गए हैं जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, वो वहाँ ना जाकर के अपने ही घरेलू उद्योग में काम कर सकें और अपने लालगंज का विकास कर सकें, ये हमारी इच्छा है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी सरकार जो चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो वो इस प्रकार का पहल करेगी जिससे लालगंज के लोग बाहर न जा करके यहाँ कार्य करें और लालगंज विकास कर सके। यहाँ तक कि जो COVID-19 आज हम जिससे त्रस्त हैं वो बॉम्बे से कलकत्ता से, दिल्ली से, पुणे से, गुजरात से, अहमदाबाद सारे जगहों से जब ये COVID-19
से त्रस्त हुए तो उन्होंने पैदल मार्च किया, पैदल चलना शुरू किया और गांव में आए और उसी गांव में आए जहां से वो गए थे। रास्ते में कितने लोगों की जाने चली गई, कितनी माताएं बहनें प्रसव पीड़ा से मर गईं और कितने रास्ते में दम तोड़ दिए, खाने वगैरह मर गए, किराया भाड़ा नहीं मिला। बाद में वो सरकार जो केंद्र में थी या जो प्रांत राज्य में थी उन्होंने थोड़ा उनको वो साधन उपलब्ध कराया जिससे वो अपने घर आए। तो इस प्रकार की संकट दोबारा न पैदा हो, आने वाले भविष्य में न पैदा हो, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उसी प्रकार की इंडस्ट्री, उसी प्रकार का उद्योग, उसी प्रकार के साधन उपलब्ध कराया जाए जिससे यहाँ के लालगंज के लोग बाहर न जाकर यहाँ अपने रोजी रोटी कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आज से सर नए वर्ष का आगाज हो रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से लालगंज विधानसभा वासियों और पूरे प्रदेश वासियों को कुछ कहना चाहते हैं सर? इस नए साल में यही कहना चाहूँ कि हमारा जो आने वाला 2021 है वह लालगंज प्रदेश के लिए और यहाँ तक कि अगर देश के लिए भी मैं कहना चाहूँ कि वो खुशहाली ले आए, लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठे, स्वस्थ रहे और कामना करता हूँ और आने वाला दिन उनके लिए बेहद खुशियों से भरा रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। और केंद्र सरकार और अपने राज्य सरकार माननीय योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जनता के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करे, साधन उपलब्ध कराए जिससे यहाँ के लोगों का जीवन सुखमय और शांत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।